दिस ललन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय याकुल्ट। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को नया लीडर मिलने की खबरें आ रही हैं। मसरत आलम भट्ट। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैयद अली शाह गिलानी की मौत के 6 दिन बाद मंगलवार यानी कि 7 अगस्त को कथित रूप से ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस यानी APHC ने एक बयान जारी किया। इसमें मसरत आलम भट्ट को नया हुर्रियत नेता बनाए जाने की घोषणा की गई है। हालांकि इस बयान की तस्दीक नहीं हो पाई है। ये भी कहा जा रहा है कि इस बयान के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। 7 सितंबर को पाकिस्तान रेडियो ने एक दावा किया था कि APHC ने मसरत आलम भट्ट को चेयरमैन नियुक्त किया है। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले में पाकिस्तान का दखल हो सकता है। मसरत आलम भट्ट उसका करीबी माना जाता है। अब आपको बताते हैं कि मसरत आलम भट्ट कौन है। कट्टर अलगाववादी नेता है। बताया जाता है कि मसरत आलम इस मामले में सैयद अली शाह गिलानी से भी 2 कदम आगे हैं। उस पर आतंकी संगठनों को आर्थिक मदद देने का आरोप है, जिसके चलते भट्ट 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है। 2010 में कश्मीर के माछिल सेक्टर में सेना और आतंकियों की मुठभेड़ हुई थी। उसके बाद उस इलाके में विद्रोह शुरू हो गया था। बताया जाता है कि उसमें मसरत ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। मसरत के खिलाफ अब तक कुल 27 FIR दर्ज हो चुकी हैं। इनमें से ज्यादातर में या तो उसे बरी कर दिया गया है या जमानत पर छोड़ दिया गया है। 1 मार्च 2015 को मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही कुछ दिन बाद मसरत को जेल से रिहा कर दिया गया था। ये खबर जब दिल्ली पहुंची तो संसद में जमकर हंगामा भी हुआ था। 17 अप्रैल 2015 को मसरत ने एक विरोध प्रदर्शन में पाकिस्तानी झंडा लहराया था, जिसके बाद केंद्र की तरफ से दबाव पड़ने पर मसरत को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कश्मीर के अलगाववादी सोच वाले लोग मसरत को इतना पसंद करते थे कि उन्होंने घाटी में उसकी गिरफ्तारी को लेकर जमकर विरोध किया। हालात इतने बिगड़ गए थे कि 18 अप्रैल को मुख्यमंत्री मुफ्ती ने मसरत को छोड़ दिया। इसके बाद 23 अप्रैल 2015 को भारत सरकार ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इस्तेमाल कर मसरत को फिर गिरफ्तार कर लिया। मसरत आलम 1990 में मुश्ताक अहमद भट्ट के चलाए एक आतंकी संगठन हिजबुल्ला से जुड़ा। 1993 में 26 अलगाववादी संगठनों ने मिलकर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बनाया। सालों बाद सैयद गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से खफा होकर तहरीक ए हुर्रियत नाम का नया संगठन बनाया, तो मसरत भी उनके साथ रहा। जल्दी ही मसरत गिलानी का विश्वास पात्र बनकर उभरा। 2008 से साल 2010 के दौरान संगठन में मसरत आलम का कद काफी बढ़ गया था। 2010 में माछिल एनकाउंटर के बाद कश्मीर में विद्रोह शुरू हो गया। गिलानी के काफी मना करने के बाद भी उस विद्रोह में मसरत ने लोगों को पत्थरबाजी के लिए उकसाया था। वो अपने भड़काऊ विचारों के कारण कश्मीर के युवाओं में काफी लोकप्रिय हो गया था। बताया जाता है कि तहरीक ए हुर्रियत में काफी हद तक गिलानी से ज्यादा मसरत को पसंद किया जाने लगा था। मसरत के इन कामों को देखकर पाकिस्तान ने भी उसे समर्थन दिया और आज वो गिलानी के बाद संगठन का नेता है। साल 2019 में NIA ने पाया कि कश्मीर में सक्रिय जमात उद दावा, दुख्तरान ए मिल्लत और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को मसरत आर्थिक मदद दे रहा था। अक्टूबर 2019 में NIA ने टेरर फंडिंग के आरोप में मसरत के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया, लेकिन गिरफ्तारी की भनक लगते ही मसरत छिप गया। करीब 4 महीने तक तलाशी अभियान चलाए गए, यहाँ तक कि सरकार ने मसरत पर 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की थी। आखिरकार उसे श्रीनगर के एक बाहरी इलाके से गिरफ्तार किया गया। तब से मसरत तिहाड़ जेल में ही बंद है। 1971 में श्रीनगर के जैनदार मोहल्ले में जन्मा मसरत आलम भट्ट अब तक अपनी जिंदगी के 17 साल जेल में बिता चुका है। पाकिस्तान ने मंगलवार यानी कि 8 सितंबर को मसरत को हुर्रियत का नेता चुना जाने वाला ट्वीट किया था। तब से खबरें हैं कि कश्मीर में इसके बाद से सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी आयुष ने। शुक्रिया।